हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आयुषी में। ये देखिए, मैं मार्केट से लाल साग लेके आई थी। सर्दियों में तो हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है, इसलिए मैं ये साग लाई हूँ। आज मैं इसकी जड़ों को अलग कर लूँगी और अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही हम सिर्फ इसकी जड़ों को ही अलग करेंगे और पत्तों को नहीं। इसको हम अच्छे से धो के इसको काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने 3 मिर्ची ली है, 2 बड़े प्याज लिए हैं और ये थोड़ा सा मूंगफली के दाने हैं। इसको मैंने फ्राई कर लिया था और उसके बाद इसके छिलके निकाल लिए हैं और इसको हल्का फुल्का तोड़ दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले मिर्ची और प्याज को एक साथ ही छोंक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने साग को अच्छे से कट कर लिया है और धो लिया है इसको। अब हम हल्का प्याज को ब्राउन होने देंगे और उसके बाद साग को डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ब्राउन हो गया है प्याज। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और साथ में मूंगफली के दाने भी डाल देंगे। ये देखिए, अब हम साग को भी डाल देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। हम इसे एक बार चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, साग हमारा पानी छोड़ दिया है। हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और थोड़ा सा सुखाएंगे भी। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको फिर से ढक के रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा साग ऐसा हो गया है। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला देंगे। ऐसे करके हम सबको मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा हेल्दी एंड टेस्टी साग बनके तैयार है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।